जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी बार कुछ एरर्स आते हैं। मान लीजिए जैसे कि SDK का कुछ इशू आ गया या फिर ग्रेडल बिल्ड्स में कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम स्क्रीन में मैं एंड्रॉयड स्टूडियो एक बार खोल लेती हूँ, कुछ एरर वगैरह मैं क्रिएट करके बताती हूँ कि फिर उसमें कैसे किया जाता है। जैसे मेरा तो पूरा प्रॉपर सेटअप हो रखा है, पर अभी आपने जैसे इंस्टॉल किया काफ़ी लोगों ने, तो इंस्टॉल करने के बाद ही काफ़ी इशू वगैरह आ रहा था, है ना। तो हमें क्या करना है, अभी स्टूडियो लोड हो रहा है मेरा, ग्रेडल बिल्ड्स हो रहे हैं इसमें। सबसे पहले मैं बताती हूँ, एक कमेंट में लाइक टेक नॉट करके यूज़र आईडी थी, उन्होंने SDK का कुछ इशू फेस किया, ठीक है। तो जैसे उनका SDK नॉट इंस्टॉल्ड आ रहा था एंड्रॉयड स्टूडियो में एरर, तो आपको क्या करना है, SDK नॉट इंस्टॉल्ड इन एंड्रॉयड स्टूडियो, ये देखिए लाइक ऑलरेडी टॉप सर्चेज में है करके, तो इसको मैं जूम इन करती हूँ और इसमें स्टैक ओवरफ्लो पे आपको एरर्स ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आपसे पहले कई लोगों ने और भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया है, सीखा है, तो यहाँ पे आप इस वाले लिंक को स्टैक ओवरफ्लो को ओपन करके रीड कर सकते हैं क्या इसमें सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। नहीं तो एक GFG पे आर्टिकल भी है, इसको भी खोल के देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे कई सारे मेथड्स दिए हुए हैं कि SDK वाला एरर इस वजह से आता है और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, अगर मैं नहीं अगर देख पा रही हूँ आपका कमेंट या फिर बहुत सारे कमेंट की वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही, तो इस तरीके से आपको अपनी हेल्प करनी है, ठीक है। और जैसे ग्रेडल बिल्ड में कुछ लोग कह रहे थे कि एरर आ रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे कुछ कोड में एरर आ रहे हैं या फिर एक्टिविटी मेन में कहीं भी एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे लॉग कैट होता है, लॉकेट को वैसे हम डिटेल में समझेंगे जब हम यहाँ पे एप्स वगैरह रन करेंगे, तो लॉकेट कैसे पढ़ना है वो तो मैं बाद में सिखा दूंगी, बट बेसिक ऐसे कुछ एरर आता है तो आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो स्टैक ओवरफ्लो पे, तो आपको मिल ही जाएगा। बिकॉज आपसे पहले इतने लोगों ने एप्स बनाना सीखा है, तो ऑब्वियसली उनके भी ऐसे डाउट्स आए होंगे, है ना। और एक किसी ने पूछा था कुछ इंटेल का कुछ इंस्टॉलेशन एरर था, वो जब एमुलेटर यहाँ से सेटअप कर रहे थे, यहाँ पे जाके डिवाइस मैनेजर में जाकर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस कर रहे थे, तो वो क्रिएट नहीं हो रहा था। बेसिकली लैपटॉप में आपको अपने थोड़ा चेंजेस वगैरह करने होंगे उसके लिए। वो कमेंट हम जाके अभी देख ही लेते हैं, यूट्यूब में ओपन करती हूँ, एंड कुछ हेक्सा करके एरर था, हाँ ये था, मैम व्हाइल क्रिएटिंग द वर्चुअल डिवाइस इट इज़ शोइंग द पॉपअप दैट हेक्सम इज रिकमेंडेड। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक मिनट, जैसे कि आप लिखेंगे हैक्सम इज़ रिकमेंडेड एंड्रॉयड स्टूडियो, ऐसा करके अगर हम लिखते हैं हैक्सम इज़ रिकमेंडेड, लाइक देख सकते हो आप एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड ये चीज़ है, इसलिए आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है हैक्सम इज़ रिकमेंडेड एंड्रॉयड स्टूडियो हम लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स या फिर स्टैक ओवरफ्लो पे देखिए मिल जाएगा, इज इंटेल हैक्सम नेसेसरी टू रन एंड्रॉयड स्टूडियो, बाकी इससे रिलेटेड क्विक फिक्सेस वाले ऐसे वीडियोज़ भी हैं। तो इसमें आपको बेसिकली अपने लैपटॉप की सेटिंग्स में जाके बायोस वगैरह में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो ये जो इस टाइप की सेटिंग्स वाली चीज़ें हैं, आप भी देखिए टेक बैकग्राउंड से आ रहे, टेक से भी नहीं आ रहे, अगर आप BCA से हैं, BSc से हैं, कहीं 11th 12th में अगर आप सीखने आए हैं, तो हमें धीरे धीरे ये चीज़ें सीखनी होगी कि किस तरीके से इंटरनेट का बेस्ट यूज़ किया जाए। यहाँ पर 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज में हम सिर्फ कोडिंग, सिर्फ एप्स बनाने की स्किल को इम्प्रूव तो करेंगे ही, उसके अलावा कैसे एक यू नो कॉन्फिडेंट डेवलपर, और कुछ एरर्स आते हैं वो खुद से हम कैसे सॉल्व वगैरह कर पाएं, वो सारी चीज़ें भी हमें खुद से सीखनी है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे। ऑलरेडी डेवलपर्स काफ़ी डाउट्स वगैरह पूछते हैं, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। बाकी मैं तो कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।